ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज कई दिनों बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि आश्रम में कई दिनों से सेवा कार्य लगा हुआ था, इसलिए मैं बहुत व्यस्त था। और यहाँ पे बरसात चालू हो गई है, हिमालय में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, तो मैं आया हुआ था यहाँ। एक हिल स्टेशन है, खूबसूरत जगह है, आप सामने देख सकते हैं कितने खूबसूरत व्यू है पहाड़ों के। अभी हम जा रहे हैं कहीं पर। खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं। और ये है हेलीपैड। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर ट्रैकिंग करने। अभी यहाँ सुबह से ही बारिश चालू है और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और पहाड़ों पर बादल भी हैं चारों तरफ। हम जा रहे हैं ऊपर ट्रैकिंग करते हुए, कुछ फूल के पौधे ले आएंगे। ये है, और बरसात में यहाँ जोंक भी बहुत हो जाती है। मैं तो चप्पल पहन करके आया हुआ हूँ, आते समय कोई ना कोई जोंक पकड़ लेगी पैर में। पहाड़ों में एक अलग ही सुंदरता, एक अलग ही शांति। ये देखिए, यहाँ ऐसे छोटे छोटे छानियाँ बनी रहती हैं जहाँ पर किसान लोग अपने पशु भी रखते हैं बरसात में। और चारों तरफ अब आप सामने देखिए, ये झरना बह रहा है। कई जगह से झरने निकलना शुरू हो जाते हैं पहाड़ों में से। खूबसूरत व्यू देख करके ही सारी थकान उतर जाती है। आप भी कभी समय निकाल करके ऐसे पहाड़ों में आइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। यहाँ चारों तरफ लोगों ने अपने खेतों में आलू लगा करके रखे हुए हैं। अभी अगस्त के महीने में तो खूब सारे आलू निकलेंगे यहाँ पर। ये सेब का पेड़ है, अभी सेब इतने छोटे छोटे हुए हैं और ये पूरा बागान सेब का है। ये पूरे सेब के बगीचे हैं और इसके नीचे आलू भी लगा करके रखे हुए हैं। देख लेता हूँ पैर में, अभी तक तो जोंक पकड़ी नहीं, आते समय एक दो जरूर लग जाएगी। ये इनके खेतों में ही छानी बनी है। ये देखिए सेब, सेब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये आड़ू, आड़ू के पेड़ देखिए, ये आड़ू है। नज़ारे देखिए सामने के, क्या मनमोहक नज़ारे हैं। सामने पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं और इसी प्रकृति के बीच में इनका खेत। आपने देखा हिमालय की खूबसूरती, और आप लोग भी कभी समय निकाल करके हिमालय ज़रूर आएं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। चारों तरफ खूबसूरत आनंददायक
दृश्य हैं और साथ में ही सेब के बगीचे। यहाँ पर इन्होंने लहसुन भी खोद करके रखा हुआ है निकाल करके। आड़ू है या पुलाव है? आड़ू है महाराज जी। महाराज जी इसे इसे पकड़ सकते हैं, इसे डाल दो डायरेक्ट। ये सेब के पेड़ के पौधे महाराज जी। हाँ हम जा रहे हैं पुलम खाने के लिए। ये अखरोट का पेड़ है, अखरोट का है ना। वाओ, ये पूरे कब पकेंगे? वो पकने वाले महाराज जी, तैयार होने वाले हैं। इसमें क्रीम काल डालो तो निकाल के पक जाएगा। अच्छा, ये तैयार है मतलब? ये जो लाल वाले हैं पूरे तैयार हो गए ना? हाँ, ये तैयार होने वाले हैं। ये पूरा थैली भर करके इसमें नाशपाती है, पुलम है और आड़ू है, और अभी तो सेब तैयार हुए नहीं है, वो एक डेढ़ महीने बाद होंगे। तो अब इसको लेकर के हम नीचे चल रहे हैं और बारिश भी चालू हो गई है और हम चलते हैं। बरसात है तो थोड़े पकोड़े बनाएंगे और फिर अगर शाम को बारिश रुकेगी तो यहाँ जो झरना है वहाँ पर भी आपको ले चलेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं हेलीपैड पर। हेलीपैड खूबसूरत हिमालय के रास्ते का आनंद लीजिए। यहाँ नीचे जाने के लिए इंजन चालू नहीं करना पड़ता, गाड़ी का अपने आप नीचे चली जाती टंगराते हुए। दोस्तों अभी मैं चाय पी रहा हूँ गंगा जी के किनारे बैठ करके, और ये जगह है हीना करके जगह पड़ती है, और यहाँ पर एक महाराज जी का आश्रम है। ये महाराज जी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये महाराज जी के आश्रम में मैं आता रहता हूँ, एकदम जस्ट गंगा जी के किनारे है। और अभी मैं जा रहा था उत्तरकाशी वहाँ। ये महाराज जी की कुटिया है और यहाँ पर धूना जलता रहता है हमेशा। ये धूना है और महाराज जी के यहाँ पर अंगूर भी, अंगूर की ये बेल लगी हुई है, और ये सामने गंगा जी हैं। यहाँ गंगा जी, अब ये दर्शन कराता हूँ। ये अखरोट का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, सारे चीज़ों के इन्होंने पेड़ लगा करके रखे हुए हैं। गंगा जी के भी दर्शन कराते हैं आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पुराना शिवालय, जय माँ काली, जय माँ काली। और घंटी भी बजा देते हैं। अभी बरसात होने की वजह से बहुत ज़्यादा बहाव है गंगा जी में, आप देख सकते हैं। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। और बगल में ही ये नानी माँ का आश्रम है।
तो अभी बारिश रुकी हुई है, अब हम चलते हैं आश्रम की तरफ अपने उत्तरकाशी। और ये जो जगह पड़ती है उत्तरकाशी से 25 किलोमीटर आगे हीना करके जगह पड़ती है मनेरी से आगे, तो यहीं पर ये इनकी छोटी सी कुटिया। अभी मैं मनेरी पहुंच चुका हूं और यहां पे क्रिया योग आश्रम है और ये मौनी बाबा हैं यहां पर, और ये भी गंगा जी के किनारे ही आश्रम है। ये जैसे ही आप बाहर निकलेंगे सामने ही गंगा जी दिखाई देंगे और सामने मनेरी डैम भी है और ये ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और यहां पर ये खूबसूरत व्यू गंगा जी का